आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए इंडिकेटर के साथ और बहुत बेहतरीन काम करता है। इस इंडिकेटर के सबसे ख़ास बात यह है कि ये खुद रेजिस्टेंस बताता है, खुद सपोर्ट बताता है, खुद ये बताता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं, ये तुरंत बता देगा आपको। सिर्फ पहचानना आना चाहिए कि रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट हो गया है, रीटेस्ट करने आएगा, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। आज का मैं ट्रेड दिखाता हूँ। आज है 23 मार्च, 23 मार्च का। देखिए, सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, सपोर्ट यहाँ बना, ये सपोर्ट खुद पे खुद बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। सपोर्ट यहाँ बना, सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, सपोर्ट से ऊपर गया, मार्केट रीटेस्ट किया, यहाँ से हम बाय कर सकते थे, टारगेट हिट कर दिया। दूसरा ट्रेड कहाँ पे बना? दूसरा ट्रेड आज का यहाँ पे, मार्केट ऊपर आया, ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, और दूसरा सी यहाँ से बनाया सेकंड टारगेट, टारगेट यहीं तक लेना है। तीसरा ट्रेड कहाँ से बना? देखिए, मार्केट इस सपोर्ट पे बहुत देर तक कंसोलिडेट रहा, यहाँ पे लगभग 30 मिनट तक, आधे घंटे तक यहाँ पे रुका रहा मार्केट, और इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकल गया। यहाँ भी एक ट्रेड बन रहा था। चौथा ट्रेड सी का यहाँ बन रहा था, रेजिस्टेंस आया, सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, और यहाँ से फिर एक चौथा ट्रेड। पाँचवा देखिए, रेजिस्टेंस से होकर के आया, फिर रेजिस्टेंस का रीटेस्ट किया, और ये सी बना, बहुत लंबा ट्रेड। और बाकी ये दो बज चुका था, उसके बाद मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए, पिछले दिन का दिखाता हूँ, मार्केट इसी सपोर्ट पे बार बार रीटेस्ट करते रहा, एक से यहाँ पे एक ट्रेड बना। जब जब सपोर्ट को टच किया तब तब ट्रेड बनाया, यहाँ फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना, थर्ड ट्रेड यहाँ पे बना सी का, फोर्थ ट्रेड यहाँ पे बना। देखिए, फिर पीछे चलते हैं, देखिए रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट निकला, ब्रेकआउट नहीं कर पाया रेजिस्टेंस का, और रीटेस्ट किया, मार्केट सीधा नीचे, टारगेट दे दिया हमें सपोर्ट तक। ये देखिए, मार्केट सपोर्ट तक आया, सपोर्ट खुद पे खुद बनेगा, सपोर्ट बन गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, सपोर्ट से सीधा रेजिस्टेंस तक फर्स्ट टारगेट। आप इसे लगाएंगे कैसे? ऐसा नहीं है कि एक बार ये जब ग्रीन हो जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, तो फिर दोबारा रेजिस्टेंस, नहीं, रेजिस्टेंस सपोर्ट का जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बाद आप मार्केट से निकल सकते हैं, या रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद फिर रीटेस्ट करने आएगा, तो आप मार्केट से निकल जाइए बाहर। ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ से फिर ट्रेड बदल लीजिए, सी कर लीजिए, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर। तो चलिए, इसको और ट्रेड को हम समझते हैं। और एक दूसरा इंडिकेटर लगा हुआ है, ये देखिए, इस इंडिकेटर का काम क्या है? ये आपको ट्रेंड बताएगा, ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। मार्केट यहाँ से देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में समझ रहा है चल रहा है, तो समझ लीजिए कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किएगा। यहाँ से रीटेस्ट अगर यहाँ तक करता तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे, लेकिन रीटेस्ट नहीं किया, इसलिए हम बाइंग नहीं करेंगे। एक्चुअल ट्रेड रीटेस्ट पर ही बनता है। देखिए, मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है, यहाँ पे हमें ट्रेड मिला नहीं, रीटेस्ट किया नहीं,
ट्रेंड डाउन चल रहा है, ये रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे आया ऊपर रीटेस्ट किया, टारगेट ही टारगेट तक चला गया, यहाँ से एक पी का ट्रेड बन रहा था। मार्केट ये सपोर्ट लिया, रीटेस्ट किया, मार्केट रेजिस्टेंस तक चला गया। ये सी नहीं ले सकते थे यहाँ से क्योंकि मार्केट ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में फिर से ऊपर गया मार्केट ने, ये देखिए रेजिस्टेंस को हिट किया, फिर से नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, मार्केट सीधे डाउन ट्रेंड में नीचे सपोर्ट तक। इसको आप बैक टेस्ट करके देखिए। चलिए इसका सेटिंग बताता हूँ आप लोग को, सेटिंग क्या करना है। सबसे पहले हमें इंडिकेटर में जाना है, सबसे पहले हमें इंडिकेटर में जाना है और इंडिकेटर में जा करके यहाँ पे सर्च करना है फर्स्ट इंडिकेटर बीजे। हेलो, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ पाएंगे सेटिंग क्या करना है। ये अच्छा, बीजे ठीक है, ठीक साहब हम बात करवा रहे हैं एक मिनट में। बीजे यहाँ पे इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है बी जे। देखिए ये इंडिकेटर लगाना है, 13,058 लोग यानी 13,058 लोग इसको यूज कर रहे हैं। इस इंडिकेटर पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में जाना है और इनपुट में जा करके इसका है, इसका है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें जाना है इनपुट में, इनपुट में जाना है और इनपुट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो इसका नंबर ऑफ पिवट पॉइंट है इसको आप दो कर दीजिए, तब थोड़ा नॉइस कम हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग में जाना है, दो हो गया है। उसके बाद जाना है आपको इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा लीजिएगा बॉर्डर का, ये इसको बढ़ा लेना है। फिर से सेटिंग में जाना है, यहीं से इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, इसका इसको आप चाहे तो ग्रीन कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप ग्रीन कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या क्या चेंज करना है। सेटिंग में जाना है, इसका नंबर ऑफ पीआईवीटी पॉइंट को दो कर देना है। उसके बाद आपको ये सपोर्ट का थिकनेस बढ़ाना है, ये सपोर्ट है इसको आप ग्रीन कर लीजिए, बढ़ा दीजिए, ओके कर दीजिए। ये रेजिस्टेंस है, इसका भी थिकनेस बढ़ा लीजिए, इसको आप चाहें तो रेड कर सकते हैं, ओके कर दीजिए।
देखिए आपका सेटअप ये कंप्लीट हो गया, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सेम रहने देना है, ठीक। इससे आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, सपोर्ट खुद पे खुद बनता है। देखिए कितने ट्रेड मिले हैं, सभी ट्रेड सक्सेसफुल है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यदि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो फिर रीटेस्ट करने के बाद ही आप ट्रेड लें। जैसे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट तक आया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे, इसको आप ध्यान में रखें, बैक टेस्ट करें, दो चार दिन प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस पे आप ट्रेड करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और हमेशा आपको कुछ नया वीडियो लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।